नमस्कार, आपका स्वागत है गोंदिया न्यूज अपडेट पर। मैं हूं सुशील कुमार। शुरुआत करते हैं आज से बड़ी खबरों के साथ। अच्छा, क्या कहना है ये अभी आज से लोकल चालू हुई इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है सर, लोकल चालू हुआ। बाकी डबल रेट कर दिया है वो उचित नहीं किया सर। कोरोना से ऐसे भी पब्लिक परेशान है और रेट डबल करने से आम जनता को बहुत परेशानी है। मैं नागपुर जा रही हूँ, अभी जो लोकल चालू हुई है ये बहुत अच्छी बात है, सुविधा का काम है। लेकिन ये जो भाड़ा डबल कर दिया गया है ना, ये ठीक नहीं है। ये थोड़ा जो था पहले का वही रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में बोल के लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ये आने जाने में तो प्रॉब्लम है ही है पब्लिक को, लेकिन लोगों को जॉब नहीं है, थोड़ा काम काज नहीं चल रहा है बराबर। ये नज़रिए से थोड़ा जो भाड़े का है वो जो है वो पहले वाला ही रहना चाहिए। लोकल के बारे में बताइए, ये टिकट कैसा लग रहा है अभी? जैसे पहले था वैसा चल रहा है क्या? हाँ, नहीं पहले चल रहा है वैसा है, लेकिन वो भाड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। अच्छा, भाड़ा एक्स्ट्रा लगा है, लेकिन लोकल प्लेन टिकट अने कोई भी टिकट मिलेगा, ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं। ओके ओके, तो चालू हो गई गाड़ी। अच्छा, और एक्सप्रेस भाड़ा चल रहा है? भाड़ा एक्सप्रेस का भाड़ा पहले 20 भंडारा था, अभी 40 हो गए। अच्छा, और नागपुर पहले था तो नागपुर का डबल हो गया। हाँ अच्छा, लेकिन इन्होंने पहले ऑनलाइन नहीं है, डायरेक्ट प्लेन टिकट में जा रहा है। गुड, टिकट का थोड़ा रेट नहीं बढ़ाना था। अच्छा, आम जनता को बहुत परेशानी होती है। अच्छा, वो नहीं जा रही कोरोना के कारण से घूम रही है, और बाकी परेशानी से एक रिवर जाना था, नहीं डबल क्यों जाना था, कम करना था। पहले जैसी है तो वैसे रखना था। ट्रेन चालू हुई है तो सबको सुविधा हो रही है, पर जो टिकट का जो चार्ज है वो ज्यादा हो गया है, उससे तकलीफ होगी आम जनता के लिए। लोकल एक इसके जैसे होती है, और अगर इसकी टिकट अब बढ़ा दी है तो फिर दिक्कत होगी। सर, मैं तो गोंदिया तक कैसा करना सर? कुछ करो ना सर, मेरे लिए बैठ जाओगे सर? क्या बताए, लोकल सब लोकल जाने से कोई मतलब नहीं ना। जब पूरी ट्रेन चालू हो जाए तो लोगों को अच्छी फुर्सत हो जाएंगी। लोग दुनिया रीजन करके कोई मतलब हमको आके पूछते हैं कि भैया कैसे भरना है, हम भरेंगे तो गलत हो जाएगा ना। ऐसी है कि लोग दिन कोई कैसे कैसे आता है, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलती लोगों को, कोई लेने जाता है तो उसको भी तबलीग है। हाँ, ये जनता ये जैसा महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से ये गलत है कि नहीं है ये? हाँ, 110 रुपये पेट्रोल हो गया है, लोकल चालू हो रही है तो क्या मतलब है इसका? हाँ, जनता ही अब जनता को इतनी तकलीफ हो रही है कि क्या बताओ। रात दिन तो हम रहते हैं, हमको मालूम है कि क्या क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर रिजर्वेशन करने में जाओ तो वहाँ भी लाइन लगता है। बेचारा जो 12 बजे से आता है बोलता है महाराष्ट्र की टिकट मिलेंगी क्या, वो तो 12 बजे काउंटर बंद हो जाता है, 10 बजे काउंटर बंद हो जाता है। फिर महंगाई भी थी।